बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आपको डॉलर रेट और रियाल का रेट जो आज का है इससे अपडेट कर दूंगा मैं। एक भाई ने मुझे कल कमेंट किया है जी कि भाई जो आप रेट बताते हैं हम रियाज में हैं तो रियाज में डिफरेंट होता है रेट जो आप बताते हैं उससे। तो मैं भाई पहले तो ये बता दूँ, रियाज में तकरीबन 2.5 साल गुजार चुका हूँ, ठीक है। और उसके बाद अभी रेट के मुताबिक आपको बता दूं भाई, बात यह है कि मैं आपको ये चैलेंज देकर बात करता हूं। चैलेंज देकर आप अभी गूगल से एक्सचेंज रेट देखें, अभी बैंक जाएं, आपको डिफरेंट ना दिखाई दे मैं जिम्मेदार हूं। आप किसी की भी वीडियो देख लें, आप फॉरेन बैंक जाएं, आपको रेट में डिफरेंट ना दिखाई दे मैं जिम्मेदार हूं। आपका दोस्त अभी पैसे भेज कर आया है, आप उसके 2 घंटे बाद जाएं, डिफरेंट ना दिखाई दे मैं जिम्मेदार हूं। यार डिफरेंट बात का मकसद सिर्फ यह है कि बैंकों का रेट भाई हर 5 मिनट बाद चेंज होता है, कुछ पैसे कम कुछ पैसे ज्यादा, तो ऐसे मामला ये तो चलते रहते हैं। बहरहाल ये तो क्लियर हो गया जी, आपको कुछ पैसों का फर्क होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है कि मैं आपको अगर 49 रेट बता रहा हूँ तो आप जाएंगे तो आपको 47 लग जाएगा, ऐसा नहीं होगा। 48-90 लग जाएगा, 49-10 लग जाएगा, 5-10 पैसे का आगे पीछा हो जाता है, इससे ज्यादा नहीं होता है। हम बात कर लेते हैं सबसे पहले डॉलर के मुतल्लिक। यहाँ पर आपकी स्क्रीन के ऊपर दिखा रहा हूँ मैं, डॉलर की गिरावट का सिलसिला जारी है। हालांकि आज फर्स्ट टाइम में तेज हुआ था, फिर बाद में अभी क्लोजिंग के टाइम फिर गिरावट दिखाई दी है। 182.93 रुपए था जी कल का रेट, और आज हो चुका है 182.02 रुपए, यानी कि 90 पैसे बोल रहे हैं जी आप, मजीद एक ही दिन में ये डॉलर गिर चुका है। अभी ये बात कर लेते हैं मुख्तलिफ बैंकों के हिसाब से, और एक्सचेंज रेट पहले आपको बता दूं मैं। आप देख रखे होंगे पाकिस्तान के मुतल्लिक बात कर लें तो 48.48 रुपए एक्सचेंज का रेट हो चुका है, जो कि 49.62 रुपए तक गया हुआ था, अभी ये भी नीचे आ रहा है। और अगर इंडिया की बात करें तो 20.29 रुपए, एंड अगर बांग्लादेशी टके की बात करें तो 23% हो चुका है जी इनका रेट। और मैं अभी फिर वीडियो में आपको यही बात क्लियर करता चलूँ भाई, ईद के नज़दीक ये रेट हाई होगा और इससे डाउन, या आप बोल रहे हैं कि अभी डाउन है तो ईद में इससे डाउन होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। ईद में रेट ऊपर ही जाएगा, ईद की जैसे जैसे नज़दीक आएगी। फौरी बैंक बैंक कल जजीरा की बात करें तो 49.38 रुपए हो चुका है इनका रेट, अभी भी 49+ में ये रेट दे रहे हैं फौरी बैंक बैंक कल जजीरा वाले, 10 रियाल इनकी फीस है। एसटीसी पे की बात करें तो 48.85 रुपए इनका रेट है जी, 17.25 रियाल इनकी फीस है। तहवील अल राजी की बात करें तो भाई इनका भी 48.15 रुपए रेट है, 10 रियाल इनकी फीस है। एंड वेस्टर्न यूनियन की बात करें तो 48 रुपए इनका, 48.26 रुपए रेट है और 23 रियाल फीस है। एंड मनीग्राम की बात करें तो आपको 48.43 रुपए रेट मिलेगा और इनकी भाई 23 रियाल फीस है। एंड टैली मनी ANB बैंक की बात करें तो इनका भाई 48.10 रुपए रेट है, और अगर इंजाज बैंक की बात करें तो उनका भाई 48.57 रुपए इंजाज बैंक का रेट है। तो ये मुख्तलिफ बैंकों के हिसाब से रेट है। फिर वीडियो के आखिर में फिर आपको क्लियर करूँ, जैसे जैसे ईद नज़दीक आएगी रियाल एंड डॉलर ऊपर जाएंगे, अभी नीचे आ रहे हैं, लेकिन जैसे ही आप देखिएगा 15 रमजान गुजरेंगे ये फिर ऊपर जाना शुरू हो जाएंगे।